हमारी आज की न्यू वीडियो में। जितने नए लोग आए हैं जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगली वीडियो किस बारे में चाहिए जल्दी से कमेंट में लिख दो, सपोर्ट करो भाई को, जल्दी जाओ। और जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ और देखो उस वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस दिन कौन सा वर्कआउट करना चाहिए। आज की वीडियो में है हमारा मेन फोकस लेग्स पे, तो हम आपको लेग्स में स्क्वाट्स, हैमस्ट्रिंग और आपके काप्स पर मेन ध्यान देंगे। इनकी वजह से एक्सरसाइज बताएंगे जो आप घर पे कर सकते हैं, चाहे आपके पास डंबल हो या ईट हो, या आप बॉडी वेट भी कर सकते हैं। बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज होने वाली स्क्वाट्स, तो स्क्वाट्स के लिए रेडी रहिए। जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको इसी तरीके से स्क्वाट्स लगाने हैं। जैसा आप वीडियो देखते हैं, इन भाई साहब ने हाथ सर पे रखे हैं, आप चाहे तो अपने चेस्ट के सामने भी हाथ रख सकते हैं और स्क्वाट लगा सकते हैं। जो आपके घुटने हैं, जब आप नीचे बैठेंगे घुटने, तो आपके जो घुटने हैं वो आपके पंजों से आगे नहीं आने चाहिए। हाँ जी, तो दोस्तों सेकंड एक्सरसाइज है हमारी लंजेस। आपके पास अगर ईट है तो आप ईट से कर सकते हैं, अगर आपके डंबल है तो आप डंबल से कर सकते हैं, वरना बॉडी वेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। घर पे हैं सब, पता है मेरे को लॉकडाउन चल रहा है, तो आप घर पर बिना किसी भी इक्विपमेंट के कर सकते हैं बॉडी वेट। सेट्स होंगे आपके 3 से 4 और रेपिटेशन होगी जितनी आपकी कैपेसिटी है। अब जो गाइस हमारी तीसरी एक्सरसाइज होने वाली है, एक्सरसाइज तो नहीं, हम इसे एक वार्म अप कहेंगे, जो कि आपकी हैमस्ट्रिंग के लिए होने वाली है। इसमें जब आप स्क्वाट की पोजीशन लेते हैं, तो वैसे मैं आपको जितनी देर हो सके आप उतनी देर होल्ड कर रखें, 2, 3, 4, 5 मिनट, जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना मिनट तक होल्ड करें, और आप चाहें कम से कम 2 से 3 सेट इसके लिए। अब लास्ट में आप देख सकते हैं आपको अपने हैमस्ट्रिंग के लिए कैसे करना है। जब आप अपनी हैमस्ट्रिंग लगाएं तो आपको बस इतना है ना, जैसे आप डेडलिफ्ट लगाने हैं उसी टाइप से आपको 2 ईट इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका डंबल है तो डंबल से करें, ये एक्सरसाइज बॉडी वेट से नहीं होगी, इसमें आपको 2 डंबल या फिर 2 ईट लेने ही पड़ेंगे। इसके भी आप 2 से 3 सेट लें और रेपिटेशन आपकी कैपेसिटी के अनुसार। अब लास्ट एक्सरसाइज हमारी होने वाली कॉल्स। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी कॉल्स बिल्कुल इतनी तगड़ी दिखेगी, क्योंकि सबसे मेन मसल होती है जब आप नेकर पहनते हैं, तो आपकी जब लोग कॉल्स देखते हैं, और रनिंग करने से भी काल्स बहुत अच्छी तरह ट्रेन होती है। इसमें आपको करना सिंपल तरीका है, आपको दोनों पंजों पे खड़े होना है और लगभग 2 से 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर नीचे आना है, फिर दोबारा पंजों पर खड़े होना है और 2 से 5 सेकंड तक होल्ड करना है। इसके लगाए आप 25 से 30 रिपीटेशन और सेट्स होंगे आपके 4 से 5, क्योंकि आप होम वर्कआउट कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों मज़ा आया ना वीडियो में, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फैला दो वीडियो को, जल्द से जल्द जाओ और जितना हो सके दोस्तों के संग फैला दो। और कल भी शाम को 4 बजे रेडी रहना वीडियो के लिए, कल भी शाम को 4 बजे आएगा आपका, कल है मंडे, ट्यूसडे है, तो आपका आएगा कल चेस्ट वर्कआउट के लिए, रेडी रहना चेस्ट और शोल्डर के लिए, जल्दी से जाओ और फैला दो वीडियो। और कमेंट में लिख देना कि आपको और कौन कौन सी बारे में वीडियो चाहिए। ऐप्स के लिए मैं वीडियो नहीं डालूंगा, ऐप्स के लिए मैं एक अलग सी वीडियो डालूंगा इस हफ्ते के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।